बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेस अहमद की तरफ से राइस मैनेजर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है 125 और चैप्टर नंबर है 3। ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और इससे BS के स्टूडेंट भी मुस्तफिद हो सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी का। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्क। वर्क होता क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क बेसिकली जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्क। दूसरे अल्फाज में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज करें कोई बॉडी है, जब भी हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी क्या करेगी, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो ये कहलाता है वर्क डन, जिसकी डेफिनेशन यहां पे दी गई है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो एफ डॉट डी होता है। जब भी डॉट प्रोडक्ट आ जाए उसको हम लिख सकते हैं एफ डी कोस थीटा। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे आई, फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। इस तरह हम इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर। अब जो न्यूटन मीटर होता है वो जूल के भी बराबर होता है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। इसी तरह वर्क की जो यूनिट हो गई वो जूल भी हो सकती है और न्यूटन मीटर भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि वन जूल क्या होता है, इसके डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अगर किसी बॉडी पे एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर वो बॉडी एक मीटर की डिस्प्लेसमेंट दे करे तो तब जो हमारा वर्क डन जो होगा वो होगा वन जूल। किसी भी बॉडी पे अगर वन न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई बॉडी एक मीटर का फासला तय करे तो उसको कहते हैं हम वन जूल। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, इफ अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड अ बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर देन द वर्क डन इज सेड टू बी वन जूल। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो अब हमारा ये नॉर्मल वर्क की बात हम नहीं करेंगे बल्कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क की जब भी हम बात करते हैं तो वो किसी सर्किट में हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो 1 सेकंड के लिए तो ये आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रिकल वर्क। देखें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास कोई भी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई देते हैं। जब भी हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, जैसे ही करंट फ्लो करता है तो जाहिर बात है उसमें कोई ना कोई टाइम भी लगेगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से किसी भी सर्किट में अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे 1 सेकंड में तो उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई देन द करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लो फॉर 1 सेकंड देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क का, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इसको मैंने ये शो किया है कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू, आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। टाइम के लिहाज से कोई भी काम करने को पावर कहते हैं।
इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पी डब्ल्यू और टी, वर्क और टाइम। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो वी आई टी, यानी वोल्टेज करंट और टाइम का प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने यहां लिख लिया। अब क्या होगा, टाइम टाइम के साथ कैंसिल होगी, जो पावर का जो फार्मूला है हमारे पास वी आई आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। इसी तरह पावर का एक और फार्मूला भी होता है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आवर आर। एक और फार्मूला है पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो ये तीनों जो है पावर के फार्मूला से। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हमने पढ़ा था वर्क, पावर और एनर्जी के हवाले से जो भी हमने डिस्कस किया, उसके रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय 120 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज जो है हमारे पास है 120 वोल्ट। 100 वाट लाइट बल्ब, यानी पावर जो है हमारा वो है 100 वाट। तो फाइंड क्या करना है, हाउ मच करंट, यानी करंट को हमने फाइंड करना है। तो आ जाए सबसे पहले इसका हम बनाते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय 120 वोल्ट, मतलब वोल्टेज जो है हम जो है 120 वोल्ट। हंड्रेड वाट मीन्स जो पावर है वो है 100 वाट पावर, जिसको पी से नोट करते हैं वो है 100 वाट। अब जो हमने फाइंड करना है वो है करंट। अब हमारे पास डेटा से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास वोल्टेज है, पावर है और करंट है। तो हम सिंपली सॉल्यूशन के दौरान हम पावर का मैथमेटिकल फार्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू वी आई, वी आई इज इक्वल टू P। इस टर्म को मैं इस तरफ ले आया हूं और P को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया है। अभी हमें चाहिए I, I इज इक्वल टू P, V यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आगे डिवाइड होगा। तो I इज इक्वल टू P, हमारे पास पावर की वैल्यू है वो 100, जबकि वोल्टेज की जो वैल्यू है हमारे पास 120 है। वोल्टेज की जो वैल्यू है हमारे पास 120 है। तो अभी क्या होगा, 0 0 घट गया, 2 5 10, 2 6 12, तो ये 5 और 6। इसको जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है I इज इक्वल टू 0.83, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर टू। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, वोल्टेज जो दी गई है वो है 20 वोल्ट, इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 2.5 ओम। हमारा जो उसके बाद दी गई है रेजिस्टेंस की वैल्यू, कैलकुलेट द करंट एंड पावर डिसिपेटिंग। पहला करंट फाइंड करना है, उसके बाद पावर डिसिपेटिंग, यानी जो पावर कंज्यूम हो रही है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा,
सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 2.5 ओम। फाइंड क्या करना है, करंट की वैल्यू एंड पावर की वैल्यू। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ओम्स लॉ के मुताबिक हमें पता है V की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो I इज इक्वल टू V अवर R आ जाएगी। V की वैल्यू हमारे पास 20 है, R की वैल्यू 2.5। इसको मैं लिख सकता हूं 20 डिवाइड बाय 10 अवर 25, 5 5 25 5 4 20 5 1 5 5 2 10, तो 4 divided by 2 8। करंट की जो वैल्यू आ गई 8 एम्पीयर। इसके बाद हमने फाइंड करनी है पावर। पावर के तीन फॉर्मूलास मैंने लिखवाए थे, कोई भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। P इज इक्वल टू भी आई भी कर सकते हैं, आई स्क्वेयर आर भी कर सकते हैं, जिस मर्जी से आप कर सकते हैं। P इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या आ रही है, एच स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है 2.5। P इज इक्वल टू एच स्क्वेयर 64, यहां पे आएगा 2.5। जब कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 160। पावर की यूनिट होती है वाट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। समझ आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और समझ आने की सूरत में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।